इस साइड से इसका पोज भी लो, जिसको भी पता चले कि इसकी कितनी ये नेक आगे जा चुकी है सिर्फ इसी के टाइटनेस की वजह से। मेरा नाम रमीज़ अब्बास है, मेरा ऑक्यूपेशन मैं लॉ ऑफिसर हूँ एमसीटी में। यहाँ डॉक्टर साहब के पास पहले भी आया हूँ मैं कई बार अपनी बैक पेन के लिए, मुझे काफ़ी रिलीफ रहा है और आज मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन है जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ आज। क्यों हुआ नेक में पेन? स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से है पेन। आपको बप्पी लेडी वाली दिक्कत है? हैं बप्पी लेडी वाली स्लीपिंग डिसऑर्डर? बप्पी लेडी वाली नहीं सुनी है हमने, जिस दिन उसकी डेथ हुई जब पता लगा ये कि कोई बीमारी होती है। कराटे मारते हो? कराटे आते हैं मुझे। तो ये नेक पेन तो तुम्हारी बताओ ना कि नहीं, नेक पेन एक्चुअली क्या है, मैंने इतने ज्यादा पिलो चेंज कर लिया डॉक्टर साहब, फिर भी उसके बाद क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा पिलो यूज करना चाहिए। अच्छा, स्लीप फेल और पता नहीं कौन कौन से जो भी है, मुझे पिलो की वजह से मेरे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाती पिलो की कोई भी। बट आपकी ये दिक्कत भी तो 15 साल पहले क्लिनिक से लेके यहाँ तक क्लिनिक सब जगह आ चुके हो। हाँ, बैक की पेन से अभी नेक पे आ गया। चलो अब इनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेट जाओ। ठीक, पहले तो देखें इसकी एक टांग छोटी बड़ी है, बचपन से नहीं है, जवानी में हुई है और ये बैक टाइटनेस की वजह से हुई है। ये सारा वजन डाल रहा है अपने लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट एडी का साइज देख लें, काफ़ी मोटी हो गई है कंपेयर टू दी राइट एडी। तो इसका मतलब ये पेल्विस है जिसकी कमर है वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, तो काफ़ी कुछ प्रेशर इसकी वजह से भी नेक पे आ रहा होगा। जब ये लेटता होगा तो ये अनकंफर्टेबल इसलिए भी होता होगा, जैसे ही ये राइट की तरफ बेंड होता होगा सबसे ज़्यादा प्रेशर इसकी नेक पे लोअर बैक पे इस तरफ से आना चालू हो जाता होगा। तो ज़्यादा सोता किस तरफ है करवट लेके? लेफ्ट में। लेफ्ट में देखिए, हाँ ये लेफ्ट तरफ सोने में इसको कंफर्टेबल, क्योंकि इसकी जो बॉडी है स्पाइन है वो इस तरह से यूज टू है कि ये इस तरफ झुक के सोए। अगर इसको जैसे ही ये राइट की तरफ स्ट्रेच करता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो गर्दन भी इसकी उसी तरह से झुकी हुई है। तो ये देखते हैं कि क्या हम इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्शन कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ टेबल पर तो ज़रूर कर सकते हैं, बट स्टैंडिंग में रियलिटी में इसको खुद भी अब कॉन्शियसली ठीक करना पड़ेगा। ठीक है रमेश, इसी बेटा अब टर्न करेंगे मेरी तरफ। इसकी लोअर बैक भी ऑलमोस्ट पूरी फ्यूज हो चुकी है और रमीज ये जूते नहीं पहनने, ये सब तो इकट्ठे जूते हैं, मेरे पाँव को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। और एक्सरसाइज तो ये जब भी करना है चालू कर ले, अब उसके बाद तो अब लाइफ में अब टाइम नहीं मिलेगा तो एक्सरसाइज करने का, पापा ही करा देंगे तुझे। तो सारा प्रेशर इसी पे है, इसी तरह देंगे। लेफ्ट वाली हिप तेरी खुली हुई है, लोअर बैक भी खुली हुई है, इजी छोड़ दो, इजी छोड़ दो, नेक भी खुली हुई है, छोड़ दो, ये थी टाइट। अब नीचे जाओ, एकदम पूरे नीचे जाओ, घुटने एकदम बेंच पे, एज पे लगा दो, पाँव नीचे ले जाओ,
लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस। तो रमीज कैसा महसूस हो रहा है? रिलैक्स है काफी, कुछ खुल गया बिल्कुल, पेन वेन भी मेरे बहुत कम हो गया एकदम से। हाँ बट ये जो अपर बैक है ना तो हाँ चलाता नहीं है, और देख धीरे धीरे चेस्ट तेरी एक्चुअली में इतनी थी, अब तू कोई भी शर्ट लेगा तो यहीं से सब नीचे यहाँ पे रिंकल आके नीचे झुक जाती है, तो कुछ ना कुछ तो कर जिससे ये एक्टिवेट हो। और मुझे पता जैसे तू पुश अप या हाथों की एक्सरसाइज करना चालू हो जाएगा ना, इस साइड से इसका पोज भी लो, जिसको भी पता चले कि इसकी कितनी ये नेक आगे जा चुकी है सिर्फ इसी के टाइटनेस की वजह से। दिक्कत रात को आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब समझ रहा हूँ, लेकिन टाइटनेस प्रॉब्लम यहीं पे। अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, सारी मसल्स इसने वेस्ट कर रखी है, ये चीज़ है। और ये नेक दबने की वजह से, जब ये नेक इस तरह से दबी रहती है ना, अब उसकी वजह से तेरे यहाँ पे स्किन वॉट्स आने लग गए हैं। आप देखा दो ये तुझे मैंने बताया था उस वक्त जाके करा ले, 2 मिनट का टाइम लगेगा आमिर के पास में जाके। आमिर कर देता है? हाँ मैंने भी अपना करवाया, आमिर को चले जाऊंगा, वो 5 मिनट लगेगा सारे निकाल देगा। स्किन दबने की वजह से हुआ है, अब ये दबी रहती है, अब मॉइस्चर आएगा, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बैक्टीरियली सब ग्रोथ होती रहेगी। और लोग ये भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी होता है, बट ये सारी चीज़ें हैं, बट निकलवाना ज़्यादा अच्छा है। तो तू कैसा महसूस कर रहा है और बता दे फाइनली? अब रिलैक्स है काफ़ी, बस अभी थोड़ा सा नेक में है बीच में, मसल टाइटनेस जहाँ पे होगी, बट यहाँ पे भी फील होता है इस जगह पे कहीं पे, ये है दर्द? नहीं हाँ दर्द सब कुछ यहीं पर है। हाँ ये है वे को ये। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी मसाज करा देंगे, कपिंग करा देंगे, स्किन इसके लाल कर देंगे और घर भेज देंगे इसको। Thank you.